समाचार जो विस्तार थी खबर सूरत थी। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ताए मीडिया सेंटर नु कर्यु छे उद्घाटन। मंत्र उच्चार साथे मीडिया सेंटर नु संबित पात्राए उद्घाटन कर्यु छे। तो सूरत मां भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ताए मीडिया सेंटर नु उद्घाटन कर्यु छे। मंत्र उच्चार साथे मीडिया सेंटर नु संबित पात्राए उद्घाटन कर्यु छे, जेमां तमाम कार्यकर्ताओ पण उपस्थित जोवा मळ्या। भाजपा मीडिया सेंटर नु उद्घाटन करवामां आव्यु। मंत्र उच्चार साथे परंपरागत रीते उद्घाटन थयुं। रिबीन कापी आ उद्घाटन करवामां आव्युं छे। तो थोड़ी ज वारमां पत्रकार परिषद पण करवामां आवशे। संबित पात्राए खास हाजरी आपी अने मीडिया सेंटर नुं सूरत खाते उद्घाटन करवामां आव्युं छे। मंत्र उच्चार साथे पूजा विधि कर्या बाद रिबीन कापी आ सेंटर नुं उद्घाटन थयुं छे। संबित पात्रा सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ताओ पण जोवा मळ्या। थोड़ी ज वारमां पत्रकार परिषद पण करवामां आवशे। खास केटलीक माहिती पण तेओ आपशे। संबित पात्राए खास हाजरी आपी छे अने सूरतमां मीडिया सेंटरनुं उद्घाटन करवामां आव्युं। परंपरागत रीते मंत्र उच्चार साथे पूजा विधि साथे भाजपा मीडिया सेंटरनुं उद्घाटन थयुं छे। तो सूरतमां भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ताए मीडिया सेंटरनुं आ उद्घाटन कर्युं। मंत्र उच्चार साथे मीडिया सेंटर शुरू करवामां आव्युं छे। एक तरफ विधानसभा चूंटणी आवी रही छे, प्रचार प्रसार पूर जोशमां चलावामां आवी रह्यो छे। तमाम भाजपना मोटा नेताओ गुजरातमां छे अने प्रचंड प्रचारमां लाग्या छे। त्यारे बीजी तरफ संबित पात्राए भाजपना मीडिया सेंटरनुं उद्घाटन कर्युं छे। उद्घाटनमां तेओए खास हाजरी आपी पूजा विधि करी। थोड़ी ज वारमां तेओ पत्रकार परिषद करशे। मंच पर आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री निरंजन जी, महापौर महोदया, मेरे मित्र और यूपी से विधायक शलभ मणि जी, और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ जितने भी पत्रकार मौजूद हैं, मैं सभी को नमस्कार और जय जगन्नाथ कहता हूँ। देखिए, मैं उड़ीसा से हूँ और मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं गुजरात की पावन भूमि पे, जगन्नाथ जी की भूमि से द्वारकाधीश और सोमनाथ जी की भूमि पे आने का ये पवित्र अवसर मुझे मिला है। इसके कारण मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप सब मुझे सुनने आए। मैं आज गौरव महसूस करता हूँ जब भी मैं भारत से बाहर जाता हूँ, और जब भी मुझे कोई कहता है कि आप भारत से हैं, भारत तो बहुत आगे बढ़ गया है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का गौरव जिस प्रकार से पूरे विश्व में बढ़ा है, एक उड़िया निवासी के रूप में, एक उत्कल निवासी के रूप में मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है। और इस प्रकार का एक विराट नेतृत्व, एक गुजराती जो आज पूरे भारतवर्ष को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, और केवल भारतवर्ष ही नहीं, ग्लोबल लीडर के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी उभर के आए हैं। इसलिए मैं गुजरात के इस मिट्टी को नमन करता हूं और प्रत्येक गुजराती को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को नेता बनाया, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया। तो इसका नतीजा हुआ कि भारतवर्ष को एक ऐसा नेतृत्व मिला जो विकास के पथ पर अग्रसर भारत को आगे लेके जा रहे हैं। बंधुगण, आज ये छोटी बात नहीं है, 27 वर्षों तक अनवरत भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से गुजरात में सेवा करने का मौका मिल रहा है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जात पात बांटने वाली, नेपोटिक जो जिसको कहते हैं भाई भतीजे वाली राजनीति, इन सबको ना करते हुए केवल विकास के विषय को आगे बढ़ाया है। इसीलिए आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को निरंतर 27 वर्षों तक पद पे रखा है। आज ये कितनी बड़ी बात है, 97% घरों में पीने का पानी मिल रहा है पूरे गुजरात में। 97% गुजरात आज पीने के पानी के ये मोहताज नहीं है, उसे पानी मिल रहा है हर घर नल योजना के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार आप कोरोना कालखंड में देखिए, अभी तक लगभग 71 लाख परिवारों को, 3.48 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। उनके घरों में किस प्रकार अनाज पहुंचाया जाए, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में बैठे हुए गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंता की।
ठीक उसी प्रकार लगभग अगर 36 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर मिला है तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1.70 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट इन 27 वर्षों के अंदर खुला है जनधन अकाउंट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। यह एक बहुत बड़ा उछाल गुजरात के लिए है। गुजरात की जो विकास की गाथा है वो हम सब ने बार बार बताया है, आप भी जानते हैं। कल यहाँ राहुल गांधी आए थे और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने जब देखा वो वीडियो जो आज पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि राहुल गांधी जी को सुनने के लिए तो उनके कार्यकर्ता जो मंच पे उनके नेता मौजूद थे वो भी सुनना नहीं चाहते हैं। उनके भरत सिंह सोलंकी जी ट्रांसलेशन कर रहे थे, शायद बीच में छोड़ के चले गए कि मैं ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, अब हो गया बहुत, आप ही बोल दो जो बोलना है। जब इस प्रकार का माहौल मंच पे होता है, आप देखिएगा उस मंच पर उनके नेताओं के बीच में एक कन्फ्यूजन था। मंच के ऊपर खुद उनके नेता उनकी भाषण के ट्रांसलेशन को बीच में छोड़ के जा रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, अच्छा आप नहीं करेंगे, आप छोड़ के जा रहे हैं, और भरत जी चले जाते हैं, बाकी नेता ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी को कोई सुनना नहीं चाहता, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहता है। ये अपने आप में कांग्रेस किस अवस्था में गुजरात में है, किस व्यवस्था में पूरे भारतवर्ष में है, यह विषय को व्यक्त करता है। वो कोई भारत तोड़ो यात्रा कर जोड़ना तो उनसे होता नहीं है, ये तोड़ो यात्रा ही कर रहे हैं। और आज तो मैंने देखा महाराष्ट्र से एक न्यूज़ आई हुई है कि ये जो कलाकार, फिल्म के कलाकार इत्यादि आ रहे हैं, ये भी सब प्रायोजित है, ये प्रयोजन के माध्यम से, ये स्वतः कोई कलाकार नहीं आ रहे हैं, ये प्रायोजित है कि आप आइए उसके बदले में आपको लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रलोभित करके कलाकारों को भी राजनीतिक क्षेत्र में उतार करके राहुल गांधी का एक हाइप बनाने की कोशिश ये किया जा रहा है। कितनी बार ये कोशिश की जा चुकी है राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की, मगर मैं बार बार कहता हूँ रॉकेट में फ्यूल नहीं है, फ्यूल खत्म हो चुका है। कितनी बार भी लॉन्च करने की कोशिश करिए, ये लॉन्च नहीं हो सकता है। बंधुगण, मुझे तो आश्चर्य हुआ कल राहुल गांधी, जिस समय ये ट्रांसलेशन बंद हुआ उस समय वो आदिवासियों के विषय में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और राहुल गांधी कह रहे थे कि जब मैं छोटा था, बड़े कब हुए पता नहीं, वैसे जब मैं छोटा था, 6 साल का था, तब दादी जी ने उनको किताब दी, फोटो वाली किताब दी, जिसमें आदिवासियों की फोटो थी, और फोटो देख करके उन्होंने आदिवासियों के विषय में समझा। ये बचपन में फेरी टेल की कहानी की तरह, आप आदिवासियों को फोटो देखकर पहचानते हो। राहुल जी, जब आप छोटे थे, 6 साल के थे, और फोटो देखकर आदिवासी क्या होता है ये पहचान रहे थे, उस समय गुजरात के इस पवित्र मिट्टी में नरेंद्र नामक का एक छोटा सा बालक, उसको फोटो देखकर गरीबी क्या होती है, फोटो देखकर आदिवासी क्या होता है, फोटो देखकर भारतीयों के मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, ये समझने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र खुद चाय बेच करके, खुद गरीबी देख करके, गरीबी झेल करके उसने प्रतिज्ञा लिया था बचपन में कि जब मैं बड़ा होऊंगा, मेरी माँ जो आज 200 सिगरेट के बराबर की धुएं को सांस से अंदर ले रही है, चूल्हे पर खाना बनाते हुए कोई भी माँ गुजरात में इस प्रकार से तड़पेगी नहीं, ये संकल्प नरेंद्र ने बचपन में ही लिया था। नरेंद्र ने उसी समय ये संकल्प लिया था कि कोई भी गरीब खाली पेट न सो सके, इसीलिए प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के माध्यम से घर घर किस प्रकार अन्न पहुंचाया जाए उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने आज बतौर प्रधानमंत्री किया है। तो राहुल गांधी, एक तरफ आपकी फेरी टेल की कहानी है, किताब, दादी माँ, कहानी, फोटो, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की अनुभूतियाँ हैं, उसे सहा है, उसे देखा है, इसलिए ये तो आप मोदी जी को समझाइए मत कि गरीबी क्या होती है।